नमस्कार, डीएनएक्स वास्तु ज्योतिष कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज हमारे साथ है विख्यात वास्तुविद पंडित देव नारायण शर्मा जी। वास्तु और ज्योतिष पर जिज्ञासा के क्रम में आज हम जानेंगे वास्तु है क्या, का हमारे जीवन में प्रभाव, ना सिर्फ हमारे जीवन में प्रभाव वरन हमारे राज्य में, देश में या कहीं समूचे विश्व में। पेशे से सिविल इंजीनियर, विख्यात वास्तु सलाहकार पंडित देव नारायण शर्मा जी से आज हम जानते हैं वास्तु शास्त्र है क्या। वास्तु शास्त्र में आप देखेंगे तो उस दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, ये वास्तु और शास्त्र। तो वास्तु का मतलब होता है वास, निवास करने योग्य शास्त्र, ऐसा शास्त्र जो हमारे व्यापार, व्यवसाय, घर, मकान, दुकान से संबंधित विषयों पे बात करता है, उसको हम वास्तु शास्त्र कहते हैं। कालांतर में ऋषि मुनियों ने देखा कि ब्रह्मांड में दो प्रकार की ऊर्जाएं व्याप्त है, एक ऊर्जा है जिसको हम सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं और एक ऊर्जा है जिसको हम नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। तो ऋषि मुनियों ने देखा कि इन सकारात्मक ऊर्जाओं का सदुपयोग और नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने की प्रक्रिया या विधि उनने विकसित की। इन विधियों को उनने लिपिबद्ध किया और एक शास्त्र के रूप में इसको हमारे जनमानस के सामने लाया, वही हमारे आज हम उसको वास्तु शास्त्र के रूप में उसको देखते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जाओं से कैसे हम बचें, उन बीमारियों से, उन अव्यवस्था से कैसे हम बचें और हम अपने जीवन को कैसे सफल बनाएं, ये विधि देता है वास्तु शास्त्र। सर, प्रकृति की रचना हुई है वास्तुशास्त्र, हम अपने घरों तक सीमित रहते हैं जनरली, हम अपने जीवन में, तो जो वैश्विक संरचना है, ये पूरा जो भूमंडल है, इसका भी एक निश्चित वास्तु का विधान है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो पूरा जो वास्तुशास्त्र है उसका मूल पांच तत्व हैं, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। और पूरे ब्रह्मांड में अगर आप पृथ्वी की बनावट को देखें तो पृथ्वी की बनावट में 3/4 जल तत्व का हिस्सा है, एक तिहाई उससे 1/4 जो हिस्सा है वो भूमंडल है, बाकी जो जल तत्व है। तो आप उसको आगे लेके जाएं तो जो जो हिस्सा जल तत्व के पास में है, जो देश जल तत्व से चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो देश ज़्यादा विकसित और विकासशील है। आप पहला नाम आप देखें, अमेरिका देखें, उसके तीन हिस्से, तीन तरफ के हिस्सा जल से घिरा हुआ है। चाइना देखें, हांगकांग देखें, जापान को ले लें आप, तो जितने बड़े देश जो विकसित हैं, समृद्ध हैं, उनने जल तत्व का उपयोग किया। ऐसे कुछ देश और भी हैं जिनने जल तत्व का आज सदुपयोग नहीं किया, तो वो भले पीछे रह गए हैं, लेकिन अगर आप पोर्ट में देखेंगे, अगर आप जल तत्व से ज़्यादा व्यापार व्यवसाय करेंगे तो वो जो जल तत्व है वो हमारे जीवन को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो जिन जिन देशों के आसपास में जल तत्व ज़्यादा है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा समृद्ध हैं, ज़्यादा ऊँचाई पर उठे हुए हैं। हमारा हिंदुस्तान जो पूरे विश्व में, इस ब्रह्मांड में जो अवस्थित है, इसका क्या वास्तु है? अगर आप पूरे देश के नक्शे को आप देखें तो आपको दिखेगा कि उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में साउथ के राज्य हैं, और दक्षिण पश्चिम का जो हिस्सा है, जो वास्तु शास्त्र के अनुसार नैऋत्य कोण जिसको बोलते हैं, दक्षिण और पश्चिम के जो कोण है उसको हम लोग नैऋत्य कोण बोलते हैं। नैऋत्य कोण पे निवास करने वाले व्यक्ति ज़्यादा व्यवस्थित, समृद्ध और अनुशासित पाया जाता है। तो अब इन राज्यों को आप देखें तो पश्चिम के हिस्से में गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। आप इनका सबका जीडीपी रेशियो भारत के जीडीपी से देख लें, ये कहीं ज़्यादा विकसित हैं। तो इसका मतलब है कि और इसमें जल की मात्रा भी अधिक है। अगर वो पूरे राज्य को आप देखें तो मैंने जैसे विश्व के परिप्रेक्ष्य में आपको बताया कि जैसे ही जल तत्व हमारे पास में ज़्यादा होगा, जैसे ही हम दिशा के अनुसार दक्षिण पश्चिम के हिस्से पे रहेंगे, वो राज्य ज़्यादा विकसित
माना जाता है, उन राज्यों पे ज़्यादा इंडस्ट्री पाई जाती है, इन राज्यों पे मशीनों से संबंधित जो कार्य हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके विपरीत दूसरी दिशाओं पे ले लें आप पूरब, उत्तर पूर्व ईशान के एरिया को ले लें, तो पूरब में आप देखेंगे तो बिहार का हिस्सा पड़ता है, तो बिहार जो है वो ज्ञान का स्थान है। अगर आप देखेंगे तो जितने IAS हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो IAS है, ज़्यादा से ज़्यादा जो होशियार बच्चे हैं वो बिहार के एरिए पे पाए जाते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे समग्रता के अनुसार, तो घर का कौन सा हिस्सा हमारा पढ़ने योग्य कमरा हो, घर का कौन सा हिस्सा हमारा शयन कक्ष करने योग्य हो, तो इन सब के बारे में वास्तुशास्त्र अपनी व्याख्या करता है, इन सब के बारे में आपको गाइड करता है। वास्तुशास्त्र क्या करता है, आपको एक दिशा देता है और उन दिशाओं के आधार पे अगर आप अपना रहन सहन को व्यवस्थित करते जाएं तो आपका जो जीवन है उसमें एक प्रकार का संतुलन स्थापित हो जाता है। इस आधार पे सर छत्तीसगढ़ की संरचना पे थोड़ा सा विस्तार से, छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ को कैसे विकसित किया जाए, छत्तीसगढ़ अभी विकसित होने के मार्ग पे है, अगर उसको और भी समृद्धशाली बनाना है, क्योंकि हमारे पास में वो जो जल तत्व की जो मैं बात कर रहा था, देश के बीच वाले हिस्से में हम हैं, तो हमारे पास में समुद्र का वो एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पास में नहीं है, लेकिन कुछ नदियों को हमको ईश्वर ने वरदान दिया हुआ है, तो उन जल तत्व के उपयोग के द्वारा, और जैसे मैंने बताया कि वो जो दक्षिण पश्चिम का जो हिस्सा होता है, तो दक्षिण पश्चिम कौन सा हिस्सा हुआ हमारे, तो हमारे पास में दक्षिण का हिस्सा हो गया आपका बस्तर का जो हिस्सा है, वो हिस्सा दक्षिण का हिस्सा हुआ, तो अगर इन हिस्सों पे हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आपस में मिलजुल के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दें, क्योंकि आपने देखा होगा दक्षिण और पूर्व कोना अग्निकोण होता है, तो अग्निकोण में जैसी अग्नि तत्व जाएगा तो वो कोना अपने आप से समृद्ध हो जाता है, वो कोना अपने आप में संतुलन की स्थिति में आ जाता है, तो वहाँ अभी अग्नि तत्व की कमी है, तो मेरा अनुरोध है कि जो बड़े बड़े स्टील प्लांट और बड़े बड़े पावर प्लांट की स्थापना छत्तीसगढ़ के दक्षिण और अग्निकोण स्थित बस्तर पे करना चाहिए, जिससे एक लाभ और मिलेगा, क्योंकि जैसे ही अग्नि तत्व वहाँ से संतुलित होगा तो वो जो गोले बारूद नक्सली लोगों ने बिछाए रखे हैं वो सब धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे, क्योंकि प्रकृति वहाँ पे अग्नि तत्व का डिमांड कर रही है, तो अगर वहाँ जैसे ही अग्नि तत्व जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारी जो नक्सली समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त होगी, और जैसे ही वो समस्या समाप्त होगी तो हम एक समृद्ध और व्यवस्थित और सबसे सुरक्षित राज्य के रूप में आगे आएंगे। सर एक तो प्रकृति की रचना है, जो हमारा जो भूमंडल है इसमें प्रकृति अपने आप वास्तु को सामंजस्य बनाते हुए इस रचना को, जैसा भी रचना लोगों के आगे आया है, इसमें हमारा जीवन शैली, कौन सा जीवन शैली का वो कौन सा हिस्सा है जो इसको बाधित करता है? वास्तुशास्त्र कि अगर आप बात करें तो पांच तत्व पे आधारित है, पूरा जो ब्रह्मांड है वो पांच तत्वों पे आधारित है, हमारा जो ये शरीर है, मानव का जो शरीर है वो पांच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। इसका मतलब हुआ कि जब भी कोई भी एक तत्व में असंतुलन आएगा तो हमारे जीवन में असंतुलन स्थापित हो जाता है। अब हमारा जीवन कैसे असंतुलित हो गया, हमको रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना चाहिए, हम उस आज के इस देश की और इस घटना से कि आप देखें इंटरनेट और टीवी के ज़माने में हमारा जो रहना खाना सोना पीना सब कुछ अव्यवस्थित हो गया है, हम दौड़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं। अगर हम अपने आप को संतुलन पे ले आएं, समय से उठें, समय पे सोएं और तत्वों को संतुलित करने के लिए अगर हम अपना एक आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ करें, हम ध्यान और योग को अपने जीवन में लेकर के आएं, तो फिर हम संतुलन की स्थिति पे आ जाते हैं। वास्तुशास्त्र इसमें मदद करता है, वास्तुशास्त्र कहता है
कि कैसे हम पूरब की सूर्य की रोशनी को घर के अंदर प्रवेश करने दें और कैसे दक्षिण और पश्चिम के जो अधिकतम प्रकाश है, सूर्य की अधिकतम जो रोशनी है, उसको हम कैसे बाधित करें। तो ये जो पूर्व और उत्तर की जो दिशाएं हैं जो हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आती है, उसका अधिक से अधिक घर के अंदर आने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। और दक्षिण और पश्चिम का जो हिस्सा है, जो हमारा नेगेटिव जोन है, जो हमारा नकारात्मक ऊर्जा का स्थान है, अगर हम इनको धीरे धीरे बंद करते जाएंगे, धीरे धीरे क्लोज करते जाएंगे, तो हमारी जो ऊर्जा है वो ज़्यादा संग्रहित होगा और ऊर्जा के संग्रहण से हमारे जीवन पे एक प्रकार का संतुलन स्थापित होता है। मैंने बार बार कहा कि पूरा जो वास्तुशास्त्र है वो पांच तत्वों पे आधारित है, तो पांच तत्वों को संतुलित करके अपने जीवन को हम संतुलित करें। जैसे ही हमारा जीवन संतुलित होगा, हमारा समाज संतुलित होगा, समाज के संतुलन होते ही हमारा देश संतुलित होगा, और वो दिन दूर नहीं जो इसी अध्यात्म ज्योतिष और वास्तु के भरोसे हम विश्व के गुरु बनने के स्थिति पे आ जाएंगे। सर, विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर भारत और हमारा विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में एक प्रश्न मेरा और है। हम लोग भारत की जीवन शैली आध्यात्मिकता को अंगीकार करके जीने वाली है। हम लोग अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से एक आध्यात्मिक जीवन वृत्ति को सीखते आए हैं और उसको लगभग अपनाते आए हैं। हम लोग भी उसी तरीके का जीवन जीते हैं, लेकिन आज एक भौतिकता अलग तरीके से हावी है। पश्चिमी देशों का अलग प्रभाव है यहाँ जीवन शैली में, साथ में हम अपने आध्यात्मिकता को भी शामिल करते चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी के संयोग से भी कुछ है। नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि जो वो पश्चिम का जो विज्ञान है, आपको याद होगा जब हमारे संत स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए और उनका प्रवचन सुनिएगा, तो उनने कहा आज भारत को विज्ञान की आवश्यकता है और पूरे विश्व को, पूरे यूरोप को आध्यात्म की आवश्यकता है। तो आध्यात्म भारत दे सकता है, विज्ञान जो है वो पश्चिमी देश हमको देंगे, तो दोनों के बीच में संतुलन स्थापित होना चाहिए। अर्थ कहीं बुरा नहीं है, हमारे जैसे पांच भाग्य कहे गए हैं उसमें अर्थ, मोक्ष, काम, ये सारे के सारे शामिल हैं। तो हमारे लिए धन का अर्जन करना, व्यापार का सृजन करना किसी प्रकार से कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसका संतुलन होना चाहिए। अगर मैं धन कमाता हूँ दूसरों के ऊपर में आक्रमण करने के लिए, तो वो नकारात्मक है। अगर मैं धन का अर्जन करता हूँ दूसरों को सुरक्षित करने के लिए, दूसरों के पेट भरने के लिए, पूरे विश्व को की व्यवस्था करने के लिए, तो वो जो धन है, वो जो व्यापार है, वो ज़्यादा सात्विक है। तो मैं धन का, व्यापार का अर्जन करूँ, उसको कई गुना बढ़ाऊँ, लेकिन मैं अपनी अध्यात्म की जो मुख्य डोर है उसको मैं पकड़े रहूँ। जब मैं सुबह किसी काम से निकलूँ तो ज़रूर मेरा 15 मिनट 20 मिनट उस ईश्वर, उस परमात्मा के नीचे सिर झुकना चाहिए जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। आप देखिए शुक्ला जी, पूरे बड़े बड़े देश आज के परिप्रेक्ष्य में कलेप्स हो रहे हैं। इतना बड़ा देश इटली, इतना बड़ा देश ब्रिटेन, जिसका राज्य में सूर्य का अस्त नहीं होता था, आप देखें अमेरिका क्या स्थिति में आ गया है इस महामारी की वजह से। और एक छोटा सा देश जिसकी बहुत बड़ी GDP नहीं है, 5वें नंबर की GDP है भारत देश, वो आज अपने आप को संभाले हुए है। हमारा इम्यूनिटी पावर, हमारी जो आंतरिक शक्ति है, वो इतनी मजबूत है कि हमने अपने आप को संभाल के और अनुशासन में रखा हुआ है कि हमको किसी ने कहा कि आप घर से मत निकलिए, तो हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये जो अनुशासन है हमारा, ये आया है आध्यात्म की वजह से। तो मैं फिर से आपको मैं बोलूँगा कि ये जो हमारा वास्तु है वो हमको हमारे अध्यात्म को सही दिशा पे अपने जीवन पे उतारने का एक मार्ग बताता है। और इसके साथ साथ में हम अपने कार्य को भी करते हैं कि हम अपने व्यापार व्यवसाय को भी कई गुना बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि जीवन में हम कभी भुखमरी के शिकार
ना हो जाए, तो दोनों के बीच में संतुलन स्थापित होना चाहिए। इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि पक्षी के दो पंख होते हैं, एक आध्यात्म का पंख है और एक भौतिकता का पंख है। अगर एक पंख को आप काट देंगे तो वो पक्षी उड़ नहीं पाएगा। तो भारत में आपने देखा होगा कालांतर में केवल अध्यात्म पे ध्यान दिया तो हमारे ऊपर में आक्रमण हो गया और हम लोग कई सौ साल तक के दूसरों के गुलाम रहे। तो दोनों के बीच में संतुलन चाहिए, हमारे पास में भौतिकता भी चाहिए, हमको आध्यात्मिक जीवन भी चाहिए, दोनों के बीच में। आप देखिए जो लोग भौतिकता में ज़्यादा पड़े हुए हैं आज उनकी हालत क्या हो रही है। तो दोनों के बीच में संतुलन हो, और ये जो संतुलन है ये पाँचों तत्वों के द्वारा वास्तुशास्त्र आपको संतुलित करता है। सर, इस पूरे आपसे चर्चा के दरमियान एक मुख्य जिज्ञासा जो वास्तु के संदर्भ में उभर के आई है, आध्यात्मिकता और पूजा पाठ दोनों थोड़ा सा अलग चीज है। पूजा पाठ जो हम करते हैं, कहीं पे भी पूजा करना, कोई नेगेटिव जगह पे, गलत संगत पे, गलत सोच पे, दिमाग में कुछ गलत चल रहा है, इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? एक मुख्य संत ने, बहुत बड़े संत हैं, उनने एक बात कही है कि जहाँ धर्म की सीमा समाप्त होती है वहाँ से आध्यात्म का प्रारंभ होता है। कि धर्म एक सीमित दायरे पे रहता है कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मेरा धर्म सबसे बड़ा है, और ये जो धर्म है इसी धर्म की वजह से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है, लोगों ने आपस में मार काट किया हुआ है। तो जब हम इससे ऊपर उठते हैं, वो जो अध्यात्म है जिसको हम ध्यान के माध्यम से कहते हैं, जिसको आप बोल रहे हैं कि सकारात्मक स्थान, कि कैसे हम अगर नकारात्मक ऊर्जा को लेते लेते अध्यात्म में जाएंगे या धर्म का आवरण उड़ेंगे तो क्या वो नुकसान करेगा? तो आज आपको सब लोग घर पे देख रहे हैं रामायण और महाभारत, उसमें आप देखेंगे कि रावण भी वहाँ पे है जो अध्यात्म का या धर्म का बहुत बड़ा व्यक्ति है और जो यज्ञ करता है लेकिन अपने अंदर नकारात्मक विचारों के साथ करता है। तो जब नकारात्मक विचारों को हम अपने अंदर से जब तक बाहर नहीं निकालेंगे तो यही धर्म हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा और विश्व के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो हमारा मार्ग क्या होगा? हमारा मार्ग होगा युधिष्ठिर का मार्ग होगा, हमारा मार्ग होगा वो राम का मार्ग होगा कि जिसमें हम अध्यात्म की प्रचुरता पे जाए। लेकिन आप देखेंगे भगवान राम ने भी अपने कर्म को उन्हें किया, उनने तरह तरह के बाण का उपयोग करना सीखा और राक्षसों का वध किया, उसने अपने कर्म को ठीक ढंग से किया। तो दो चीज में अंतर है कि क्या हम धर्म की साधना करते करते नकारात्मक चीज़ों को भी साथ रख सकते हैं? मैं कहता हूँ ये घातक है कि जब हम हवाई जहाज में उड़ते हैं तो ज़्यादा वजन लेके नहीं चढ़ सकते, नीचे ज़मीन में चल रहे हैं तो ज़्यादा वजन हमारे साथ में जा सकता है। तो अध्यात्म और धर्म में यही अंतर है कि अध्यात्म हमको सिखाता है कि सब इंसान के अंदर परमेश्वर का वास है, सबके अंदर वही आत्मा निवास करता है। जबकि धर्म में हम थोड़ा संकुचित हो जाते हैं, तो हमको धर्म से आगे बढ़ के अध्यात्म में जाना चाहिए और अपनी जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे छोड़ के सकारात्मक चीज़ों को अपनाना चाहिए। तो आज आपने जाना वास्तुशास्त्र है क्या। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया ने हाथ मिलाना छोड़ दिया है, वे हमारे प्रणाम को अपना चुके हैं। जैसा अभी शर्मा जी ने बताया, वह अंतिम संस्कार भी हमारा ही अपना के कर रहे हैं। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया हम सदियों से करते आए हैं उसको आज पूरी दुनिया अपना रही है। हम जिस संस्कार को जीते आए हैं, जिस अध्यात्म को जीते आए हैं, उधर पूरी दुनिया की निद्रें हैं। इसको और विस्तार से जानने के लिए हम अगले अंक में, वास्तु ज्योतिष के अगले अंक में मिलेंगे वास्तु के पौराणिक महत्व के साथ। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा।